हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दीपशिखा देवल ने चुनाव प्रचार में संभाली भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह देवल की कमान, महिलाओं में हो रही है लोकप्रिय। आप लोग फैल के ही मन जीता था, ने वोट दीदा था, जने नहीं दीदा में हम के प्रा दे जो। बड़गांव के रानीवाड़ा से भाजपा विधायक नारायण सिंह देवल की सुपुत्री दीपशिखा देवल ने व विधायक की पत्नी पुत्रवधु सहित पूरे परिवार ने मंगलवार के दिन धामसेन, जेठपुरा, रूपावटी खुर्द, रूपावटी कल्ला, बामनवाड़ा गांव में चुनाव प्रचार कर घर घर गांव गांव संपर्क कर अपने पिताजी रानीवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह देवल को जिताने के लिए महिलाओं से और सभी वरिष्ठ युवा भाइयों से आशीर्वाद मांगे। दीपशिखा देवल ने महिलाओं को भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से समझाया। मूंग, रायडा, तिल, कपास, जीरा, अनानास जो भाव बढ़िया है, वे यूज नहीं बढ़िया, सरकार आपकी मूंगा भाव में खरीदे रही है ताकि आप लोगों को लाभ मिले। तो ओ ए सुविधा ने ए लाभ कांग्रेस सरकार दीदी थी 8 साल हुई आज। उज्ज्वला योजनाओं से गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस वितरण। आने वाले समय भाजपा की सरकार बनेगी तब 5 साल बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा 5 व 7.5 हॉर्स पावर के बिजली के बिल इस महीने से माफ कर किसान के हित के लिए भाजपा सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। समर्थन मूल्य से 1.5 गुना फसल को सरकार द्वारा खरीद कर किसानों को फायदा पहुँचाना सरकार की अहम योजना है। मोटर लगी है तो पोस्ती लेन हाड़ी हाथ हॉर्स पावर तक की जो मोटर है पर नो 8 महीना से कोई बिल नहीं आवे सरकार आपरा पिया भरे। अगर हाड़ी हाथ ऊपर है मानो 2000 बिल आयो तो 1700 रुपया सरकार भरी, 300 रुपया पर घर का करना है। तो आपने सरकार पड़े थी बनाना है कि खुद भरना है? सरकार पड़े थी। आपने और भी करो, अगर कांग्रेस भी सरकार आई तो नर्मदा के पीने का पानी का कार्य चालू है। कहीं जगह पूरा किया जा चुका है और किधर किधर बाकी है उसको भी आने वाले समय में जल्दी पूरा किया जाएगा। बाकी आप जो नर्मदा और नर्मदा की नहर आई रही है आज 50-60 गोमों तो बनो पानी आवे रही है ने आवा वाला 2 महीना में उनका काम चालू है तो जो गाँव में पानी की समस्या है वह भी आप लोगों ने नहीं। बड़गांव से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।